नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शोभनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन में तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश बना नंबर वन। यूपी में मंगलवार को 27,34,926 वैक्सीन की डोज दी गई, एमपी में एक दिन में 16 लाख वैक्सीन की डोज लगाई थी। मेगा वैक्सीनेशन के दिन लक्ष्य में बहुत आगे रहा उत्तर प्रदेश, यूपी में अब तक 5,14,79,309 वैक्सीन की डोज लग चुकी है। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। वनटांगिया समुदाय के बीज अन्न महोत्सव में होंगे शामिल। सीएम योगी बलरामपुर दौरे पर थे, देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला पहुंचकर गौ की सेवा की। प्रदेश के माफियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है, इन पर शिकंजा कसने के साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रशासन माफियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और सवाले सरजुल रजा की नगर के सैयदबाड़ा स्थित 1,18,00,000 के आवासीय भवन को मुनाती कराकर कुर्क किया गया। यूपी बीजेपी ने किया ट्वीट, ट्वीट के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना, का अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार। प्रयागराज में मर्ज शादियों के लिए धर्म परिवर्तन पर कोर्ट चिंतित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई, कोर्ट ने बेवजह धर्म परिवर्तन में चिंता जताई है। कोर्ट ने अकबर जोधाबाई की शादी का उदाहरण दिया, बिना धर्म परिवर्तन के अकबर जोधाबाई की शादी, विवाह के लिए एक धर्म का होना भी जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा निजी फायदे के लिए धर्म परिवर्तन खतरनाक है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की कोर्ट में हुई सुनवाई, एटा के जावेद की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ में रहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जनाधार को बढ़ाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों से संवाद करेंगे। हमीरपुर में जिला मुख्यालय से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है, जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदियों में न जाने की अपील की। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बाद बाढ़ से निपटने के जिला प्रशासन ने कमर कस लिए, 158 बाढ़ प्रभावित गांव के लिए 30 बाढ़ चौकियां बनाई गई। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी, जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे तटवर्ती ग्रामीण। आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क, गौरा में अब आगमन के लिए स्ट्रीमर सेवा शुरू, बाघ क्षेत्र की चंबल नदी का मामला। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर, मिर्जापुर में गंगा का बड़ा जलस्तर तो आगरा में चंबल नदी ने बरपाया कहर। और हमें यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर किया है, यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का औरैया जनपद से जनसंपर्क लगभग टूट चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से राज्यभर की मुलाकात को निशाना बनाते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने तंज कसा। राजभर को उनके पुराने बयान को याद दिलाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह से राजभर कह रहे हैं कि अगर किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले राजभर ने कहा था कि 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए, जिसमें एक दलित, एक मुस्लिम और एक पिछड़ा होना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने उनके दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर बताया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजभर की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, उन्होंने जो पिछले दिनों में कहा था वो मुझे आज भी याद है। वाराणसी के फूलपुर थाना से मंगलवार देर रात एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और ग्रामीण ने एक महिला और 2 पुरुषों को पुलिस के हवाले किया।
पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए तीनों लोगों ने दो परिवारों के धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार कर ली है। गौरव शेख सिंह ने बताया कि धर्मांतरण करवाते पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अमित वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तीनों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के महाराजगंज में तीन मुची मतकड़ी से अपना हाथ निकालकर फरार हो गया। पुलिस महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल मुआयना कराने ले गई थी। अस्पताल परिसर में मौजूद सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद, इससे अपराधी के तेजी से भागने और पीछे पीछे पुलिसकर्मियों के दौड़ लगाने की पूरी तस्वीर मौजूद। यूपी में अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, वहीं इसी क्रम में नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश काफी लंबे समय से लूट ठगी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी और एक बदमाश फरार हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अज्ञात हमलावरों ने पूर्व छात्र को गोली मारकर घायल कर दिया। एएमयू के पूर्व छात्र अरमान अली शमशाद की कुछ अज्ञात लोगों से कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि अज्ञात हमलावरों द्वारा अरमान पर गोली चला दी गई। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। घर के बाहर खड़ी बुलेट को चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी क्षेत्र में युवकों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, असामाजिक तत्व चौकी पर हुड़दंग मचा रहे हैं। बिश्नोई में प्रधान की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों ने प्रधान को घेर कर लाठी डंडों से पिटा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घर के अंदर प्रधान रंगरलिया मना रहा था, वहीं पिटाई के बाद प्रधान ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने चार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। ललितपुर में बारिश के चलते नदी नाले लबालब होने से एक मगरमच्छ बाहर आ गया था, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पर छोड़ा। आगरा के थाना पिढोरा क्षेत्र राछोरा चंडीगढ़ में मिट्टी की ढाई गिरने से महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लाजपत नगर में बनी शिव कॉलोनी में रहने वाले 81 हिंदू परिवारों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए, जिसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कॉलोनी में रहने वाले कॉलोनी वासियों से काफी देर बातचीत की। अधिकारियों ने बताया आने वाले 3 दिन में यह लोग अपनी मर्जी से एसोसिएशन बनाएंगे। कासगंज में बसपा के ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी पर कार्रवाई की गई। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन न होने पर एफआईआर दर्ज। 2 अगस्त को पटियाली के एसपीआर विंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था। बसपा के राष्ट्र सचिव सतीश मिश्रा की मौजूदगी में सम्मेलन। हमारे अधिनियम और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है। बसपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित 3 लोगों पर एफआईआर। कोशामी जिले में जहरीली खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ गई। एक बुजुर्ग महिला की घर पर ही मौत हो गई थी, जबकि इलाज के लिए ले जाते समय 2 की रास्ते में मौत। शामली जनपद में लाइव बिजली चोरी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बेखौफ दोनों आरोपी चलती लाइन पर कटवा डालकर बिजली चोरी करते हुए नजर आए। सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि पूर्व सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार किसानों का हित देख रही है, जिसका परिणाम रवि और खरीफ की फसलों पर दिख रहा है। आगरा के थाना बाग क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यमा के गोदाम के सुपरवाइजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के गोदाम से लाखों की चोरी करवा डाली। पुलिस ने आरोपी सुपरवाइजर और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया। 26 जुलाई की रात को गाजियाबाद के कड़कड़ मोटल इलाके में स्थित यमाहा कंपनी के गोदाम से लाखों के स्पेयर पार्ट्स चोरी कर लिए गए। पूछताछ में पुलिस ने सत्येंद्र उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया।
कंपनी के गोदाम का सुपरवाइजर नरेश इस वारदात में चोरों का साथी था, उसने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिलवाया। आउटसोर्सिंग के खिलाफ बिजली कर्मी धरने पर हैं, धरने की शुरुआत मुख्य अभियंता कार्यालय से होगी। चार जिलों के बिजली कर्मियों ने ठेकेदारी प्रथा को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया, ठेकेदारी की आड़ में कर्मचारियों का उत्पीड़न होता रहा। सरकार और अधिकारी मिलकर उत्पीड़न करते रहे, 7 सितंबर को इको गार्डन पहुंचने की अपील की गई। प्रयागराज में पीडीए की बड़ी कार्रवाई, मामबाड़ी की जमीन पर बनी अवैध मार्केट को पीडीए ने किया ध्वस्त, यहां अवैध रूप से मार्केट बनवा दी गई थी। पीडीए द्वारा पहले भी इस पर कार्रवाई की जा चुकी है, उसी कड़ी में पीडीए के बुलडोजरों ने मामबाड़े में बनी मार्केट को आज जमींदोज कर दिया। दासनगरी आगरा में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा लगातार जारी है, आगरा के चर्चित 3 मामलों में पुलिस की टीम ने बेहतरीन काम किया और कई अपराधियों को जेल भेजा। सहारनपुर में चोरी करते वक्त व्यापारी ने चोर को पकड़ा, दुकान में से चोरी कपड़े की चोरी कर रहा था, व्यापारी ने चप्पलों से की पिटाई। अखिलेश यादव और साक्षी महाराज की टिप्पणी सुर्खियों में है, टिप्पणी से सफाइयों में आक्रोश, सफाइयों ने साक्षी महाराज का पुतला फूंकने का किया प्रयास। पुतला दहन के दौरान सफाइयों और पुलिस के बीच झड़प, झड़प के बाद पुलिस रही नाकाम, चौकी के बाहर सफाई पुतला फूंकने में हुए सफल। सिमधामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्यों का किया निरीक्षण, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पतंजलि योगपीठ के महामंत्र का जन्मदिन, पतंजलि इसको इससे जुड़ी जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाती, जन्मदिन पर यज्ञ हवन कार्यक्रम। साइबर क्राइम के शिकार हुए लोगों को मिलेगी राहत, क्षेत्र में साइबर क्राइम सेल का हुआ उद्घाटन, साइबर क्राइम से बचाव के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर वाहन को हरी झंडी, एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य विभाग को दिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का किया निरीक्षण, शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया औचक निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की अधिसूचना हुई जारी, 23 अगस्त से विधानसभा सत्र, सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, पूर्व की बंदिशें रहेंगी जारी, कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ, मोबाइल एप्लीकेशन का सीएम ने किया शुभारंभ, ऐप से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है नड्डा का दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाथी सुरक्षा दीवार का कराया जा रहा निर्माण, धन नहीं होने के बावजूद चल रहा निर्माण कार्य, डीएफओ ने कहा एजेंसी के बेस पर कराया जा रहा है कार्य। पत्नी निकली पति के कातिल, हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारे अर्चना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय ओलंपिक दल को न्योता, 15 अगस्त को लाल किले में आमंत्रित करेंगे पीएम, व्यक्तिगत रूप से सभी से करेंगे बातचीत। मान सिंगर किशोर कुमार का आज 92वां जन्मदिन, जन्मस्थल खंडवा में विशेष आयोजन, दुनिया भर में किशोर दा के लाखों फैंस। रेसलर रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है, उन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बना ली। रवि ने इसके साथ ही सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है, रवि शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे, वो 5-9 से पीछे चल रहे थे। रवि दहिया 5 अगस्त को गोल्ड मेडल मुकाबले में उतरेंगे, टोक्यो खेलों में भारत का चौथा पदक पक्का हो गया है। रवि दहिया की जीत के बाद उनके परिवार के सभी सदस्यों और ग्रामीण खुशी से झूम उठे, गांव में जश्न का माहौल है और लोग उनके परिवार वालों को बधाई दे रहे। टोक्यो ओलंपिक की रेसलिंग पुरुषों के 86 केजी कैटेगरी में भारत के दीपक पुनिया फाइनल
वाला दांव नहीं लगा सके, अमेरिकी पहलवान के खिलाफ वो अपना मुकाबला हार गए। भारत के दीपक पुनिया के खिलाफ अमेरिका के पहलवान ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से जीता। महिला मुक्केबाज लवलीना बेरगोहे ने वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनली के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। लवलीना ने सेमीफाइनल में हार के बावजूद इतिहास रचा, 69 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बॉक्सर बनी। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क 83.50 मार्क को पार कर लिया है। उन्होंने अपना यह थ्रो 84.65 मीटर पर फेंका। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी। केरल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना का रिप्रोडक्टिव नंबर जो है 1 से ज्यादा हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 62,53,741 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 48 करोड़ के पार। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 18,47,518 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 47,31,42,307 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना के केस में एक दिन की गिरावट के बाद फिर उछाल आया, मंगलवार को 42,530 मरीज मिले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42,625 नए मामले आए, 34,668 रिकवरी हुई। दोनों डोज के बाद कोरोना होने की आशंका को 93% कम करती है कोविशील्ड सशस्त्र बलों पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी का नतीजा। स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाला कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया।